नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोगों को लगता है कि आपके घर में दरिद्रता जो है वो बास करने लगी है, आपके घर का जो वो धन है वो कहीं ना कहीं अब रुक नहीं रहा है, आपके घर में धन की कमी होने लगी है, आपको लगता है आपका भाग्य जो है वो कहीं ना कहीं सोने लगा है, आप हर प्रकार से परेशान होने लगे हैं, आपके घर की जो परिस्थितियां है वो चारों तरफ से खराब हो रही है, आपके घर में किसी प्रकार का ग्रह दोष लगा है, वास्तु दोष लगा है, शनि दोष लगा है या मंगल दोष लगा है, दोस्तों जितने भी प्रकार के दोष है, किसी भी प्रकार का आपके घर में यदि दोष लगा है और आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ किया कराया है, तो ऐसे में आप लोग गाय माता से संबंधित कुछ आसान से उपाय करिए जो कि बहुत ही ज्यादा सरल है। यदि गाय माता की इस अंग को आप छूती है तो आपके घर की जो दरिद्रता है जो वह दिन ब दिन कम होती चली जाएगी, क्योंकि कहते हैं गाय माता की इस अंग में सभी देवी देवताओं का वास होने के साथ साथ एक सकारात्मक ऊर्जा हमेशा ही वास करती है। तो दोस्तों गाय माता के इस अंग को छूकर आप अपने घर की दरिद्रता को शांत कर सकते हैं, क्योंकि गाय माता की जो पूजा है वो देवी देवताओं ने भी की थी, क्योंकि जब देवी देवताओं पर भी विपत्तियां आई, उनके अंदर परेशानियां आई, तो ऐसे में देवी देवताओं ने भी गाय माता का आश्रय लिया, क्योंकि गाय माता जो है वो निष्पाप पशु है, जीव है, उनकी सेवा या उनकी शरण में जो भी जाता है वह अपने जीवन में हमेशा ही सुख समृद्धि को पाता है और अपने घर में चल रहे भाग रूटने से संबंधित जितने भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है उनसे निजात पाती है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि कोई सुहागन स्त्री गाय माता की सेवा करती है और उनको सम्मान पूर्वक उनका आदर करती है तो उसका जो सौभाग्य है वो हमेशा ही अखंड रहता है। इसके साथ ही दोस्तों बता दो, ऋग्वेद में गाय माता की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व है, गाय माता का विशेष स्थान बताया गया है, क्योंकि प्राचीन काल से ही गाय माता की सेवा की परंपरा चली आई है, ऋषि मुनियों ने गाय माता की काफी सेवा की, अपने यज्ञशालाओं में और अपने आश्रम में हमेशा ही गाय माता को पाला है। इसके साथ ही बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी गाय माता का पूजन इत्यादि करके ऋषि मुनियों को दान के रूप में गाय माता को सौंपा है। तो दोस्तों यदि आप अपने जीवन में गाय माता की चमत्कार को अनुभव करना चाहते हो तो आज मेरे द्वारा बताए हुए इन उपायों को आप अनुभव करिए और अपने जीवन में करिए। दोस्तों मेरे द्वारा बताया हुआ हर उपाय आपके जीवन के लिए बहुत ही आसान होगा, सरल होगा और संभव होगा। दोस्तों वीडियो में यदि आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ में कमेंट बॉक्स पे जय गाय माता का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं हर संभव प्रयास आप लोगों के लिए लाती हूँ और आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि गाय माता को कभी भी हमें झूठा भोजन नहीं डालना चाहिए, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया जाता है। चलिए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए अब मैं आप लोगों से साझा करती हूँ वह छोटे छोटे उपाय, जिसको यदि आप अपने घर में कर लेते हैं तो आप लोगों को ग्रह दोषों से शांति मिलने लगती है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, कई बार हम लोगों ने कहावत सुनी है कि हमारा जो भाग्य है वो सो गया है या सोने लगा है, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है कि किसी भी दिन गाय अपनी हथेली पर गुड़ रखकर, दोस्तों हथेली पर रखे रखे ही गुड़ आपको गाय माता को खिलाना है, इससे आपकी जो भाग्य की रेखाएं हमें चमकने लगेंगी और आपका जो भाग्य है जो आपसे रूठने लगा था वह फिर से चमकने लगेगा। दोस्तों यदि हम लोग हथेली से संबंधित इस उपाय को करते हैं तो गाय माता की जब जीव हमारी हथेलियों को स्पर्श करती है, इससे हमारे अंदर की जो भी निगेटिविटी होती है वह खत्म हो जाती है। कभी कभी हम लोगों ने यह भी सुना है कि हमारे घर में नकारात्मकता जो है वो हावी होने लगी है और किसी ने किया कराया है, तो ऐसे में जब हम गुड़ का सेवन हथेली पर रख के गाय माता को कराते हैं तो उससे भी हमें निजात मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कभी कभी कहा जाता है कि मंगल ग्रह जो है वो प्रभावित कर रहा है, मंगल ग्रह हमें अशांति दिला रहा है, हमारे घर में विघ्न कर रहा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि मंगल ग्रह की शांति के लिए आपको अपने घर में जो पहली रोटी बनानी है उस रोटी में आपको मक्खन लगाना है। दोस्तों मक्खन लगाने के साथ उसमें आप थोड़ा सा सफेद नमक लगाइए, इससे आपका जो चंद्र ग्रह होगा वो मजबूत होने लगेगा। चंद्र ग्रह जब जिसका कमजोर होता है दोस्तों उसके घर में डिप्रेशन बढ़ने लगता है, तनातनी बढ़ने लगती है, टेंशन में लोग आने लगते हैं, तो ऐसे में चंद्र ग्रह जो होता है वह उसको कमजोर बताया जाता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोगों का बुध ग्रह कमजोर
है तो आप लोग गौशाला में घास का दान करिए। यदि आपके द्वार पर गाय माता आती हो तो आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। आप हरे चारे का दान करिए या हरे चारा जो है वो गाय माता को खिलाइए। यदि आप अपने घर के द्वार पर बुलाकर गाय माता को हरे चारे का सेवन कराती है तो इससे आपको बहुत ही जल्द लाभ प्रदान होगा। दोस्तों कभी कभार हम लोगों ने देखा है कि हमारे घर में बेवजह से कलेश होने लगता है, पति पत्नी के बीच में आपस में तनातनी हो जाती है जिसका कोई कारण नहीं होता है। तो यदि आपके भी घर में आपके पति पत्नी के बीच में या माँ बेटे के बीच में या माँ बच्चे के बीच में या पिता बेटे के बीच में किसी भी प्रकार के संबंध के बीच में आपके घर में कलेश हो रहा है तो ऐसे में आप बृहस्पतिवार के दिन गाय माता को केले को खिलाइए। आप अपने घर की धन संपत्ति को भी बढ़ाना चाहते हो तो आप बृहस्पतिवार के दिन गाय माता को केले अवश्य खिलाएं। इसके साथ ही दोस्तों आपको लगता है कि कलेश जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, आपको आराम राहत नहीं मिल रही है तो आपको क्या करना है, गाय माता की गोबर से बने ओपलों से आपको प्रत्येक दिन अपने घर में धुआं देना है। धुआं देने से आपके घर की जो निगेटिविटी होगी वो खत्म हो जाएगी और जो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में किसी कारण बस आ गई थी वह कोसों दूर चली जाएगी। दोस्तों धुआं मात्र यदि गाय माता का हम लोग अपने घर में दे देते हैं तो हमारे घर का जो वातावरण होता है वह स्वच्छ हो जाता है। साथ में हमारे घर की जितने भी कीट पतंग विषैले जितने भी छोटे छोटे कीट होते हैं जैसे मच्छर मक्खी इत्यादि वह भी भाग जाते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि घर में यदि गौमूत्र का छिड़काव हम लोग नियमित रूप से करते हैं या किसी स्पेशल त्योहार के दिन करते हैं इससे ही हमारे घर की पवित्रता जो है वो हमेशा रखकर और गुड़ रखकर आप गाय माता को खिलाइए। इससे भी आपके घर में शांति आने लगेगी और मंगल दोष भी यदि आपका मंगल ग्रह कमजोर है तो आप ऐसे में गुड़ और चने का भी सेवन गाय माता को करा सकती है। दोस्तों मैं हर ग्रह हर प्रकार की परेशानियों से यदि आप परेशान है उससे संबंधित उपाय आप लोगों से गाय माता से साझा कर रही हूँ जो कि बहुत ही आसान है। आप अपने जीवन में करिए और आपको लाभ मिले तो आप मेरी वीडियो पर आइए और प्यारा सा कमेंट अवश्य करके जाइए क्योंकि मेरी हर कोशिश रहती है। मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत करके आप लोगों तक उपायों को पहुंचाती हूँ। गुरुदेव की वाणी तक जो होती है वह मैं आप लोगों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करती हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मैं बता दूं कि शनि दोष काफी लोगों को काफी ज्यादा परेशान करता है। कहते हैं कि शनि दोष लगा है, शनि की साढ़े साथी इस व्यक्ति पर चल रही है तो ऐसे में आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल से आपको रोटी को चुपड़ना है और काले तिल को रखकर किसी काली गाय को आपको खिलाना है। इससे आपके घर का जो शनि दोष लगा होगा वो धीरे धीरे करके कुछ कम होने लगेगा। कहा जाता है किसी भी दोष को खत्म नहीं किया जा सकता है, आप थोड़ा कम कर सकते हो। दोस्तों यदि हम अपने जीवन में ग्रह दोषों की शांति के लिए गाय माता से संबंधित इन उपायों को ही कर लेते हैं तो हमारे जीवन में हमें इसका अनंत गुना लाभ देखने को मिलता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो भी गाय के पंच गव्य का प्रयोग अपने जीवन में करता है जैसे दूध दही घी गौमूत्र गोबर इत्यादि का यदि इस्तेमाल व्यक्ति अपने जीवन में करता है तो उसके जीवन में कभी भी कोई बीमारी बड़ी नहीं आती है। इसके साथ ही उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो हमेशा के लिए स्वस्थ बना रहता है और वैज्ञानिक लोग भी इस पर काफी ज्यादा चर्चा करते हैं और कहते हैं गाय माता जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसी के साथ दोस्तों आप लास्ट में मैं आप लोगों से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों से साझा करती हूँ कि गाय माता के कौन से अंग को छूने से हमारे घर की दरिद्रता जो है वह खत्म होने लगती है, हमारे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होने लगती है। दोस्तों गाय माता का हम लोगों ने देखा एक पीठ पर उभरा हुआ भाग होता है जिसको कोबड़ भी बोलते हैं, उसको जब हम छूते हैं तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रवेश करने लगती है क्योंकि गाय के कोबड़ में सूर्य केतु नाभि जो होती है वह विराजमान होती है। उससे यदि हम लोग टाइम पर स्पर्श करते हैं नियमित रूप अपना बना लेते हैं कि हमें स्पर्श करना है तो उससे हमारे घर की जो नकारात्मकता है वह खत्म होने लगती है। हमारे शरीर में छूने मात्र से एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो सक्रिय हो जाती है, इससे हमारे घर की जो दरिद्रता है वह कहीं ना कहीं खत्म होने लगती है। दोस्तों ये जो बात है वह किसी की बनी बनाई नहीं है, शास्त्रों में प्रमाणित है। आप उठाकर देखिए, आप किसी भी संत गुरु महात्मा से पूछिए कि गाय के कुबड़ को छूने के क्या फायदे होते हैं, क्या चमत्कार होते हैं, उसके बाद आप इस उपाय को करिए
और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। इसी के साथ दोस्तों अब लास्ट में आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, यदि आप लोगों को गाय माता से संबंधित मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको मेरा बताया हुआ हर उपाय संभव लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ही साथ में आप लोग मेरी वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों को भले के लिए उपाय उन तक पहुंचाता है तो उनके जीवन में भगवान स्वयं भला करने आते हैं। इसी